नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा ब्लॉग चैनल पर। तो आज है वीडियो नंबर 2। तो सुबह के बज रहे हैं 8:37। तो मैं जा रहा हूं अपने स्कूल जो कि छन्नी में है। तो इस बार जो मैं रास्ता लेने वाला हूं वो है NH 44। वहां जाने के 2 रास्ते भी, लेकिन आज मैं इस साइड से जाने वाला हूं क्योंकि यहां थोड़ा रास्ता क्लियर होगा। वो थोड़ी गलियाँ हैं तो उसके वजह से थोड़ा रश ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैंने आज ये रूट लिया। और लेकिन आते वक्त मैं उसी रूट से आऊँगा। तो कल रात थोड़ी बहुत बारिश हुई है और दिन में भी हुई है, तो उसके वजह से मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। दिल तो नहीं कर रहा है कि स्कूल जाऊँ, बट जाना पड़ेगा क्योंकि इससे 2-3 दिन पहले बच्चे स्कूल आए थे, तो अभी आ रहे हैं तो मैं छुट्टी कर लूँगा तो अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन मौसम काफ़ी ज़बरदस्त हो गया, तो मैं पहुँचने वाला हूँ NH 44 पर। ये देखिए आ चुका है नेशनल हाईवे। तो सुबह का टाइम है, सारे लोग जा रहे हैं अपने अपने काम पर। तो करते हैं इस ऑटो को ओवरटेक। तो ये देख सकते हो आप सुबह के व्यू, मौसम काफ़ी क्लियर है और विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी हो गई है रोड। तो थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा सैली कॉलोनी। देखिए सुबह सुबह का टाइम है तो सभी को बहुत जल्दबाजी है, सारे ही टॉप और टॉप जा रहे हैं। तो मेरे पास तो है टाइम, मैं थोड़ा आराम से भी जा सकता हूँ क्योंकि मैं आज घर से थोड़ी जल्दी ही निकला था। मुझे पता था एक ब्लॉग भी शूट करना तो थोड़ा टाइम लग जाएगा उसको शूट करने में, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी ही निकल गया था। ग्रीन सिग्नल कर लिया है क्रॉस, तो कर लेते हैं स्पीड अप थोड़ी सी आस्था, क्योंकि आपसे बात भी करनी है। तो धीरे धीरे चलते हैं, टाइम भी मेरे पास काफ़ी है तो कोई जल्दबाजी वाला है नहीं सीन, तो चलते हैं आराम आराम से। ये हम आ चुके हैं चौथी मोड़ के पास, बड़े जल्दी पहुँच गए यहाँ पर। सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ी ठंड सी भी लग रही क्योंकि बारिश हुई, उसकी वजह से ना मौसम बिल्कुल चेंज सा हो गया हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ, पिछले साल तो इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, तो इस साल होगी थोड़ी इंद्र देवता की कृपा, तो उसकी वजह से मौसम थोड़ा सा ठंडा है। छन्नी का एरिया देखिए, पार्क, ये है पार्क छन्नी का। बस थोड़ी ही देर में मैं पहुंचने वाला हूं अपने स्कूल। तो ये आ चुके हैं हम रिच के पास, गियर कर लेते हैं थोड़ा सा कम और मार लेते हैं ब्रेक। तो यहाँ से मुझे लेना है राइट टर्न, उससे पहले मारूंगा हॉर्न ताकि कोई आ रहा हो तो उसको पता लग जाए कि मैं आ रहा हूँ। ये जी मैं पहुँचने वाला हूँ स्कूल, बिल्कुल पास पास है, 1 मिनट में पहुँचने वाला हूँ स्कूल। ये लो जी, ये मैं पहुँच चुका हूँ अपने स्कूल। अब करने वाला हूँ अपने गेट के अंदर एंटर, पहले देख लेता हूँ कोई बाइक वगैरह तो नहीं, कोई नहीं है, रास्ता साफ है। तो सबसे आगे जाके लगा देता हूँ अपनी बाइक, ये मैंने लगा दी अपनी बाइक यहाँ पर। अब कर लेता हूँ ऑफिस से चलो। तो दोस्तों हमें हो चुकी है छुट्टी, तो इस टाइम जा रहे हैं हम अपने घर वापस। तो घर तो नहीं, इसके बाद मेरी ट्यूशन्स होती है, यहाँ से उठानी है मैंने 2 अपनी टीचर्स को जो आगे जा रही होंगी, आगे वेट कर रही होगी, उनको देनी है मैंने लिफ्ट। तो उसके बाद उनको छोड़ के तो मुझे जाना है ट्यूशन पढ़ाने। लेकिन ये चले कहाँ गई हैं दोनों, कहाँ चलेगी ये जा रही हैं 2 लड़कियाँ, चलती है क्या? तो इन दोनों सुंदर कन्याओं को मैंने बैठा लिया हुआ, जल्दी जल्दी बैठो कसम से, ये तो बाइक को भी ऑटो समझती हैं। मम्मी ने क्या करना है, ये देखो दोनों बैठ गई हुई हैं, तो मेरी बाइक तोड़ दी गई है बैठ बैठ के। वो देखो सर ने धोखा दे दिया उनको, मैंने कहा था कि त्रिकुटा नगर वाली साइड से जाना, वो देखो कहाँ से चले गए हैं, घर जा रहे हैं। लेकिन मैं कर लेता हूँ बाइक को न्यूट्रल क्योंकि बाइक जो है एवरेज नहीं दे रही है, लड़कियाँ भाव नहीं दे रही हैं। मौसम अच्छा हो गया, भाई मेरी तो कल रहेगी छुट्टी, मैं नहीं आने वाला कल, आप लोग आ जाना कल जी। हम ट्रिपलिंग करते हैं, किस दिन हमको पुलिस वालों ने पकड़ लिया ना, चलान उसने ऐसा करना है ऐसा करना है ना, बस फिर जाएंगे रोज पैदल ही।
फिर रात को घर आओ, फिर सो, फिर सुबह उठ के आओ, बस वैसा ही चल रहा है। जैसे सर कह रहे हैं 1:30 बजे तक आप क्या करते हैं रात में? मतलब कोई किक नहीं मिल रही लाइफ में। 1:30 बजे तक क्या क्या करते हैं? तो भाई हम पहुंच गए त्रिकुटा नगर से, साथ में नहर जा रही है। तो शाम को यहाँ पर लगती है मार्केट, अगर आपने वेजिटेबल वगैरह खरीदने तो यहाँ पर आ जाना, अच्छे रेट्स में आपको अच्छी अच्छी सब्जियाँ मिल जाएंगी। तो भाई एमरजेंसी ब्रेक यहाँ पर लगानी पड़ेगी, ओवरटेक करना चाह रहा था मैं लेकिन हो नहीं पाया। पीछे दो कमेंटेटर और बैठे हैं, पीछे माइक नहीं लगा हुआ, जो भी बोलोगे सुनाई नहीं देगा, आपके लिए अलग से माइक लाना पड़ेगा। देखिए भाई, ओ भाई देखिए कैसे अंधाधुंध आ रहे हैं, इधर से रखे ओवरटेक, सीधे अगर लेफ्ट को जाएंगे तो हम मार्बल मार्केट वाली रूट पर निकल जाएंगे, लेकिन हमें जाना है सीधा, इन दोनों युवतियों को जोड़ना है मैंने, कांवर जोड़ना है विशाल मेगा मार्ट के पास। हाँ तो टाइम होता तो गोलगप्पे वगैरह खाते, लेकिन तो टाइम तो है नहीं, क्या कर सकते हैं। मैं ड्रॉप तो उसके बाद मैं लूँगा यू टर्न, तो जानी है मुझे एक ट्यूशन पढ़ाने। तो ये है हमारी आशा मैम जी का गेट, तो यही मैंने इनको छोड़ना है। चलिए जी आपका स्टॉप आ गया, अपना अपना किराया उधर पीछे रखे तो उतरते जाइए, ठीक है? चलो नो नो आज नहीं, बोल गप्पे खाने का टाइम नहीं है। अब इनको थोड़ा पैदल चलना होगा। ओके चलो 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 चलो, बाय बाय करो कैमरे में। चलो जी मिलते हैं कल, कल नहीं तो परसों जरूर मिलेंगे। अभी लेट हो रहा, बाद में बाद में। हाँ पर काके भैया मिल चुके थे, उन्होंने आवाज़ मारी, लेकिन मैं हो चुका हूँ लेट, तो मैं रुकूंगा नहीं। मुझे 3:30 बजे जाना है ट्यूशन पढ़ाने, तो 3:30 से पहले वहाँ पहुँचना पड़ेगा। ये है एक कुरियर का ऑफिस, तो यहाँ से मुझे लेना है लेफ्ट, तो ले लेते हैं लेफ्ट, अब जाना है सीधे सीधे। यहाँ पर एक कुत्ता भी, वो बड़ा ख़तरनाक है, वो पीछे पड़ जाता है इसलिए मुझे, हाँ ये इसी कुत्ते के बाद कुत्ते की बात कर रहा था मैं, ये पीछे पड़ता जाता है इसलिए मैं यहाँ से बड़ा ही सतर्क होकर चलता हूँ। अगर सतर्क नहीं रहा तो ये मुझे गिरा सकता है या काट सकता है, इसलिए कुत्तों की साइकोलॉजी भी समझना ज़रूरी है। सर मुझे जाना होता है क्योंकि मेरी जो लास्ट ट्यूशन होती है होती है यहाँ पर, तो अब मैं जा रहा हूँ जिम के लिए, तो जल्दी जल्दी से पहुँचता हूँ जिम करता हूँ, वहाँ पर थोड़ा वर्कआउट, तो आप देख सकते हो उधर रश देख सकती है कितना ज़्यादा है। तो ये है छन्नी पुली, बारिश का भी मौसम लग रहा थोड़ा थोड़ा, लेकिन क्या करना है, टाइमिंग इस टाइम होता है जिम जाने का, अगर एक भी छुट्टी मार ले फिर दोबारा जाने को मन नहीं करता है, ऐसे बहुत सारे पेन होने लग जाती है बॉडी में, तो इसलिए छुट्टी मारना भी सही नहीं है, क्योंकि मैं अभी 1 साल बाद रिज्यूम कर रहा हूँ अपनी जिम, तो इसलिए रेगुलर रहना पड़ेगा। तो ये आ चुका है बागड़ मंडी, तो भाई थोड़ा देख के देखना, अभी नाका ना लगा हो, नाका लगा हुआ तो मैं कर लूँगा जल्दी से इसको रिमूव, लेकिन 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 थोड़ा सा कुछ नाका तो नहीं, तो इधर से मैं निकलता हूँ जल्दी से। तो जिम शिम करके मेरे को 9 बज जाएंगे घर आते आते, तो काफ़ी बिजी स्कूल हो गया हुआ है। और ये सामने जा रही है ट्रेन, तो मैं एंटर करने वाला हूँ अभी छन्नी एरिया में। रात के टाइम थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा होता है इस एरिया में, अगर सुबह की बात करें तो सुबह इतना नहीं होता है, तो लेकिन शाम के टाइम तो इधर काफ़ी ज़्यादा होता है। आज वैसे थोड़ा कम ही है, ऐसे देखा जाए तो मैक्सिमम टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक होता है, जो लोग छन्नी में रहते हैं उनको पता ही होगा। अब इधर से तो पुलिस वालों की खड़ी थी, नाका लगा हुआ था, मैंने इधर से टर्न के लिए दूसरे साइड से जा रहा हूँ, अगर उन्होंने मेरे को देखा होता तो पकड़ ही लेते मेरे को, तो बड़ी मुश्किल से बच गया मैं, बड़े दिमाग से मैंने काम लिया। तो देखो ये किस रास्ते से आ रहा हूँ मैं,
इधर से वैसे मैं आता नहीं हूँ, लेकिन क्या करें वहाँ पर पुलिस ने लगाया हुआ था नाका, तो इसलिए मुझे यहाँ से निकलना पड़ा। मैंने जल्दी बस पलटी मार ली, कुत्ता आ गया था, बच गया। अब कहाँ से निकलूँ? हाँ इधर से मैं ये करता हूँ पुल क्रॉस, यहाँ से निकलता हूँ, यहाँ से निकलना पड़ेगा। यहाँ नहीं गई नाका कुत्ते हो गई, तो भाई यहाँ भी पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई, चक्कर क्या है यार, सब जगह पुलिस ही पुलिस। तो पहुँच चुका हूँ मैं अभी छन्नी, थोड़ी ही देर में आने वाली है मेरी जिम। जल्दी जल्दी पहुँचता हूँ, मौसम भी थोड़ा ख़राब ही लग रहा है, ये ना हो कि बारिश आ जाए और मैं फंस जाऊँ, तो इसलिए थोड़ा सा तेज जाता हूँ। कर लेता हूँ, वो यहाँ गाड़ी आ रही है, थोड़ा वेट कर लेता हूँ। तो मैं पहुँच चुका हूँ अपने जिम, यहाँ पर मैं उतारता हूँ अपना कैमरा,